हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं टी जॉइंट कैसे बनता है तो हम सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले आप प्रैक्टिकल बनाने से पहले आप अपने वहाँ पर लिखे डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ क्लोज, उसके बाद लिखे एम आपका क्या है टू मेक ए टी जॉइंट यूजिंग द गिवन एमएसपीसीज बाय आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, जो भी आपकी वेल्डिंग चल रही हो आप लिखे। और दोस्तों कौन से पोजीशन में आप बना रहे हैं टी जॉइंट, बट जॉइंट, जो भी आप बना रहे हैं तो पोजीशन आप जरूर मेंशन करें, ठीक है। दोस्तों हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टी जॉइंट, ठीक है। तो कैसे बनता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपल से आपको लाइक करना है, ठीक है। दोस्तों उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक पेंसिल और एक रोलर स्केल चाहिए, ठीक है। दोस्तों सेट स्क्वेयर से मैं सेट स्क्वेयर वाली वीडियो मैंने पहले बना रखी है, और दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं आप जाके। और दोस्तों आपको अगर वीडियो चाहिए कि विदाउट सेट स्क्वेयर कैसे बनाएं, विदाउट रोलर स्केल कैसे बनाएं टी जॉइंट, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। दोस्तों आज हम बनाएंगे रोलर स्केल से कैसे बनेगा टी जॉइंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, साथ साथ आपसे बात भी करते रहेंगे। दोस्तों रोलर स्केल जो दोस्तों आईटीआईज में कम यूज़ होती है, पर सीआईटीएस में जो है ड्राइंग थोड़ी टफ हो जाती है, तो सीआईटीएस में जो है कंपलसरी जाता है रोलर स्केल का यूज़ करना, ठीक है। तो चलिए हम रोलर स्केल से बनाएंगे क्योंकि स्पीड में बन जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पेज के बीच में जाना है, बीच में जाने के बाद आपको कहीं भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है या एक डॉट लगा लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आप कर लें, पेज के बीच से थोड़ा नीचे जाए, नहीं तो हमारा जो है टी जॉइंट जाके ऊपर वाले जो हमारे एम में टकरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपको कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है, मैं 7 पे ले रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे पॉइंट ले लें, पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से 10 mm जो है ऊपर उठा लें, ठीक है। दोस्तों थोड़ा मैं और बीच में पॉइंट लेता हूँ, ये तो हमारा जो 10 है इधर कम पड़ जाएगा और इधर कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट जो ले रहा हूँ यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं 10 mm जो है ऊपर इसकी एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 10 mm यानी 1 cm, ठीक है। तो आप ऐसे भी लगा लें, और ऐसे लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये 90° एंगल पे पूरा हो गया, और ये आपको एक ऐसे सेट करना है क्योंकि हमारे इसमें छोटा सा डी है, इसलिए हमें सेट स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो हमारी मैकेनिकल में जो बनती है सारे डायग्राम किस पे बनते हैं, 30° बनते हैं। तो 30° पे आपको ऐसे फिट करके आपको पॉइंट लगा लेना है, जैसे कि ये मैंने पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है दोस्तों। लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इस साइड आपको 5 सेंटीमीटर और इस साइड आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आप अपनी मर्जी से 15, सॉरी दोस्तों 6, 7, 8, 10 इधर ले सकते हैं, आप जितना भी मतलब बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी 5 सेंटीमीटर ही लें जैसे कि मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस वाले जो 30° का हमने जो पॉइंट लिया था उसके सहारे से हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और इधर हम करेंगे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऐसे मैंने लिया, दोस्तों सेट कर लीजिए इसको, सेट स्क्वायर तो नहीं है फिर हमें इसे सेट करना जरूरी है, ये तो हमारी जो 30° कहीं और चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। अब इसके सहारे आप जो हमने ये पॉइंट लिया था इसके सहारे हम ऊपर जो है ऐसे रोलर स्केल की सहायता से समांतर लाइन लेंगे, इसका ये फायदा है दोस्तों, और कोई फायदा नहीं, हमें सेट स्क्वायर बचा सकता है हमें, ठीक है, सेट स्क्वायर से हमें रोलर स्केल बचा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक तरफ से तैयार हो गया। अब दोस्तों हमने 5 लिया था इधर और 10 लिया था, तो इसको हम थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे। तो ये भाई चलो हम चलते हैं 5, ये यहाँ पे हमने 5 ले लिया और इधर हमने 10 लेंगे, यहाँ से ये 10, ओके दोस्तों। अब क्या करना है आपको, स्पीड में मिला दीजिए, तो ये मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला देता हूँ और इधर भी मैं मिला देता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ऐसे मिला दिया हमने। मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इसके समांतर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे ले जाइए आप, ऐसे ले जाने के बाद ये यहाँ पर ऐसे सेट कर लीजिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए आप, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से नाप लेना है कितना, 10, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं 5x10 का टी जॉइंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप 10 पॉइंट ऐसे नाप लें और यहाँ से आप ऐसे इसको मिला दीजिए। और मिलाने के बाद आपको जो ये लाइन है इसको मिटा देते हैं, ये लाइन भी मिटा देते हैं, ये लाइन भी मिटा देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें रबड़ की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं पहले बोल दिया आपको मैंने कि रबड़ आपको चाहिए चाहिएगा, इतना ही बच लीजिए, रबड़ का काम ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा एक प्लेट जो है तैयार हो गया। अब करेंगे इसमें हम
ये दोस्तों 5 था, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इधर से आप 2 पॉइंट लगाइए और इधर से भी आप 5 है तो इधर से भी आप 2 पे पॉइंट लगाइए, ठीक है। एक दो तीन, दो इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, बीच में हमारा 1 सेंटीमीटर बच गया, ठीक है। अब इधर भी आपको क्या करना है, सेम वही जो उधर किया था, इधर से आप 2 छोड़ देंगे, इधर से आप 2 छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा इधर 2 पॉइंट और इधर 2 पॉइंट, ठीक है। तो आप चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक है, तो नहीं मिलाते दोस्तों, ठीक है, बट जॉइंट बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको 90 डिग्री एंगल पे लेके आपको सीधा जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों 90 डिग्री आपको पता होगा सीधा होता है, तो मैं नाप नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सीधा जो चला गया एक 5 पे, ओके डियर। अब आज इधर भी चलेंगे हम, इधर इसके सहारे भी आपको 90 डिग्री लेना है। 90 डिग्री लेने के लिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ भी चलते हैं, 5 ही लेना है इधर भी आपको, ठीक। दोस्तों यही मैं कह रहा था कि कहीं आपके एम में ना घुस जाए, इसलिए आप बीच में लें, ठीक है। तो मेरा तो बच गया, आप भी बचा लीजिएगा वहाँ पे, ये 5 पे पॉइंट, और नीचे वाला भी आपको, ये वाला जो है इधर भी 90 डिग्री एंगल पे, ओके दोस्तों। अब इसको आपको क्या करना है, मिलाना है, जल्दी जल्दी मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे मिलाना है और ऐसे मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका कुछ ऐसा टावर सा बन जाएगा, टावर बनने के बाद आपको इसको भी मिलाना है, हमें टावर नहीं टी बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तैयार हो गया, तैयार होने के बाद आपको यहाँ पे भी आपको एक तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। आपका ऐसा बन गया, ऐसा बनने के बाद आपको क्या करना है कि अब हमें थोड़ी सफाई भी करनी पड़ेगी, पर हमें और भी बहुत काम है, तो पहले हम बीड लगाने वाला काम शुरू करते हैं। तो इधर से आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, आपने नहीं देखा तो अभी जा कर देख सकते हैं, सेट स्क्वायर वाली है, पर यहाँ आपको 5 पे पॉइंट और इधर भी आपको एक 5 पे पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और इधर भी आपको, ठीक है, अब जो ये पॉइंट लगाया हमने इसको, अब इसको मिला देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद आपको अब मिटाने का काम शुरू करना है, उसके बाद हम बीड लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत और काम है वो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना है, मिला देना है, मिलाने के बाद दोस्तों इसके साथ मिलाना है आपको, और यहाँ पे आपको वेल्डिंग बीड लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग बीड लगानी। तो आराम आराम से लगाएं आप,
ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी वेल्डिंग बीड लग चुकी है। वेल्डिंग बीड लगने के बाद आपको क्या करना है कि अब इसमें आपको डायमेंशन देनी है। डायमेंशन देने के लिए आपको अब ऐसे आपको लेके इसके सेंटर में रखें, ठीक है, और इसके सेंटर में भी आप ऐसे रखें। ठीक दोस्तों, तो ऐसे आपको तीर का निशान बनाना है और इधर भी आपको तीर का निशान बनाना है और इधर भी आपको तीर का निशान बनाना है। यहाँ पे आपको देना है 100, यहाँ देना है आपको 50, और ये आपका जो हैगा 10 होगा, तो 10 का भी हम कर देते हैं जुगाड़। ठीक है, ये थोड़ा हिल गया था तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटाने के बाद आपको इसको भी आपको ऐसे बना देना है और यहाँ आपको लिखना 10। ठीक है, तो ये आपका जो है टी जॉइंट, ठीक दोस्तों, तैयार हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है नीचे, नीचे लिखना है क्या, तो आप यहाँ लिखें सिक्वेंस ऑफ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ जॉब क्या किया हमने वो लिख सकते हैं आप। जैसे पहले हमने की मार्किंग, मार्किंग करी, उसके बाद क्या किया हमने, कटिंग। ठीक है, थर्ड क्या किया आपने, फाइलिंग। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद ले गया हम इसको प्लेस ऑफ द वेल्डिंग टेबल, प्लेस ऑफ द वेल्डिंग टेबल। और फिर पॉइंट क्या किया हमने, मेक स्टेट बीड ऑन द जॉब, स्टेट बीड लगाई। उसके बाद क्या किया हमने, 5 पॉइंट हो गया। उसके बाद छठा है रिमूव स्लैग ऑन चीपिंग हैमर दोस्तों। और क्या किया हमने, 7वां कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है टी जॉइंट तैयार हुआ। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सिंपल सा आपको क्या करना है, एक लाइक करना है। ठीक है, तो लाइक करके और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।